नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी जो है विचार के साथ जो आज का अभ्यास शुरू करेंगे। आज जो हम अभ्यास करेंगे वो हार्ट के बारे में करेंगे कि अगर हमें अपने हार्ट को मजबूत रखना है, हार्ट को जो है स्वस्थ रखना है, तो आपको जो ऐसे में कौन से योग करने चाहिए। बहुत ही आसान में बताऊँगा जो कि आप आसानी से जो है अपने लाइफ में कर सकें, जिससे आपको करने में दिक्कत नहीं हो। उस तरह के जो मैं आपको आसान आसनों के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, तो शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि जितने भी हेल्थ वीडियोस मेरे चैनल पर लगातार आते हैं वो आप तक जो है सही तरीके से पहुँचते रहें और आप जो है हेल्दी और फिट रह सके लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें वज्रासन के साथ। ऐसे आपको बैठना है इस तरीके से, दोनों घुटनों को मिला के रख लेना है इस तरीके से, दोनों पंजों में पीछे गैप रख लेना है, पीछे जो आपको बैठना है इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से बैठना है आपको। दोनों अंगूठों को पीछे मिला लेना है और एड़ी को जो है बाहर की ओर तरफ कर लेना है, ये एड़ी जो बाहर की तरफ रहेगी, और फिर इस तरीके से बैठ जाना है। अगर आपको इस तरीके से आपको बैठना है, पीछे भी एड़ियाँ मिले रहेगी, कमर को आप सीधा रखेंगे जितना कमर को सीधा रख सकते हैं, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर उस पोजीशन में आ जाना है, फिर बैठना है इस तरीके से। दोनों हाथ को यहाँ पर रखेंगे, कमर सीधा, इसी पोजीशन में रहेंगे। इस पोजीशन में जो आपको मिनिमम जो है 2 मिनट तक रोज़ बैठना है, रोज़ 2 मिनट तक ऐसे बैठना है आपको इस पोजीशन में। इसको करने के बाद आप हम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में आने के लिए आपको जो है एक पांव को जो है अपने इस तरीके से थाई पर लाएं, इसको आराम से रख लें, फिर दूसरे पांव को उठाएं, फिर दूसरे पांव को आराम से ऐसे रख लें। दोनों पांव को लेते आए आप, अब सीधा जो है बैठ जाना है। इन दोनों हाथों को आप यहां पर रख लीजिए इस तरीके से सीधा, और सीधा बैठिए, आँखों को बंद कर लें। आराम से गहरी सांसें ले और गहरी सांसें जो है छोड़े। इसी पोजीशन में आपको 1 मिनट तक रहना है। गहरी सांसों को लेना है और गहरी सांसों को छोड़ते रहना है। 1 मिनट तक बैठना है इसी पोजीशन में, इस तरीके से आपको ऐसे ही रहेंगे 1 मिनट तक, और फिर वापस आ जाएंगे। और दोनों को जो है आपको 3-3 बार करना है। जब आप 1 मिनट के बाद वापस आए वज्रासन में, फिर से आप जो है 30 सेकंड रेस्ट ले लें, अपने पाँव को आगे कर लें थोड़ा सा। आने के बाद अपने दोनों पाँव को आप ऐसे ऐसे हिला लें, जिससे कि अगर आपको कहीं लगे कि थोड़े से पैर सुन्न हो गए हैं आपको और किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो वो जो है ठीक हो जाए। इसको करने के बाद जो है वापस आ जाएंगे, एक पाँव को जो है घुटनों को मोड़ेंगे, दूसरे पाँव को ऊपर से इस तरीके से लाएंगे, घुटनों को ऐसे रख लेंगे। गौमुख आसन करना है हमें। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ के ऊपर की ओर उठाना है, जितना मैक्सिमम आप उठा लें, खींच लें चेस्ट को, एक हाथ को पीछे की ओर ले जाएं आराम से, फिर पीछे मोड़ें, फिर ऊपर से सांस लेते हुए हाथ को उठाएं, फिर पीछे मोड़ें, अच्छे से पकड़ लें। इस तरीके से आपको जो है पीछे से पकड़ लेना है दोनों हाथों को, ऐसे दोनों हाथों को अच्छे से पकड़ लें, पकड़ लें, सामने देखें। इसी पोजीशन में रहना है आपको, सांसें लेनी है और सांसों को जो है छोड़ना है। इसी पोजीशन को बनाए रखना है आपको 1 मिनट तक, सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। गौमुख आसन जो है काफ़ी जो है लाभकारी है, काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं आपके दिल को स्वस्थ रखने में। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपके जो है चेस्ट को ओपनिंग मिलती है, जिससे कि आप जब सांस लेते हैं तो ज़्यादा जो है मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, जिससे कि आपकी हार्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बनती है। इसी को एक बार दूसरी तरफ से कर लेंगे। सांस लेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, पैर की पोजीशन को भी चेंज कर लेना है आपको।
एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब आप अपने बाएं पैर को ऊपर रखेंगे तो आपको बाएं हाथ को ही ऊपर लेके जाना है, और जब अपने दाहिने पैर को ऊपर रखेंगे तो दाहिने हाथ को। अब हमने बायां पैर ऊपर रखा हुआ है तो बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, इस हाथ को पीछे से लाएंगे, इस हाथ को आप पीछे से इस तरीके से मोड़ लें, इस हाथ को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं अच्छे से, फिर पीछे सांस छोड़ते हुए। इसी पोजीशन में आपको रहना है, एक मिनट तक आराम से सांसें लेनी है, नेक को आपको सीधा रखना है और आराम से जो है सांसें छोड़ना है। और अगर आपको करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही, नहीं पकड़ पा रहे पीछे, तो अपने पास एक स्ट्रैप रखिए। आपके पास स्ट्रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टॉवल जो है घर पे उसका यूज़ कर सकते हैं इसको पकड़ने में। तो अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं पीछे, तो जो सबसे आसान तरीका है इसका, वो आपने ऊपर रखा, इस हाथ को ऊपर लेके गए, इस हाथ को पीछे से लाए, ऐसे पीछे से लाया आपने, इस हाथ को ऊपर रख लिया, ऐसे रखना है आपको पकड़ के। और अगर आप आसानी से पकड़ पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे से घूम जाइए, दिखा दीजिए कि कैसे करना है। घूमिए पीछे से, पीछे घूम जाए, बायां पांव इनका ऊपर है, हाथ ऊपर उठाया सांस लेते हुए, पीछे गए, फिर इसको इस तरीके से पकड़ लिया। गर्दन सीधी रखनी है, पीठ जो है इसमें आपको सीधा रखना है, और इस पांव को कोशिश करेंगे जितना नज़दीक रख लें। इसी पोजीशन में रहेंगे, एक मिनट तक आपको सांसों को लेना है और एक मिनट तक जो आपको अपने सांसों को छोड़ना है। फिर से वापस आ जाएंगे, वापस आ जाइए। इसमें वापस आने के बाद अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, सपोर्टेड और बहुत ही इजी जो है उष्ट्रासन करेंगे, सपोर्टेड और बहुत ही इजी, किसी तरह का जो है पूरी तरीके से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो है बहुत बेसिक कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इसे कर ले। तो सबसे पहले ऊपर आके सांस लेना है, अपने इस पूरे पार्ट को ऊपर ले जाएं, चेस्ट पार्ट को सांस लेते हुए, और इसको जो है कमर के ऊपर रख लें, ऊपर आए। अब पीछे की ओर चले जाना है, पीछे ही देखना है इस तरीके से, पांच से दस सांसों के लिए रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसको एक हाथ से करेंगे, सांस लेंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे ही रख के करिए, कमर के थोड़ा हिप के ऊपर हाथ रखिए, और फिर उसके बाद वैसे ही करिए। और अगर कर पा रहे एक हाथ से तो एक हाथ से चले जाइए, सांस लेंगे, सांस लेते हुए एक हाथ को पंजों पर रखेंगे आराम से, एक हाथ को पीछे, फिर वापस आ जाना है। इसी तरीके से जो सांस लेते जाएंगे, पीछे इस हाथ को, वापस आ जाएंगे। और अगर आप इसको दोनों हाथ से कर पा रहे हैं तो और ही अच्छा है, थोड़ा सा घुटनों में जितना रख सकते हैं क्लोज रखें, जितना गैप रख सकते हो उतना गैप अपने हिसाब से रख ले। फिर से सांस लेंगे, ऊपर एक हाथ, पीछे दोनों हाथ पीछे रख देंगे, और पीछे वापस आएंगे, और फिर पर्वत आसन में आ जाएंगे, क्योंकि आपने उष्ट्रासन किया है। तो उष्ट्रासन को करने के बाद अगर आप पर्वत आसन कर लेते हैं तो आपके बैक पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है, वो स्ट्रेस जो है आप रिलीव कर देते हैं उष्ट्रासन के साथ। उष्ट्रासन में ही बने रहेंगे, आराम से सांसें लेंगे, पाँच से दस सांसें लेंगे, पाँच से दस सांसें छोड़ेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, पंजों को पूरी तरह से फैला के, पंजों पर जोर, दोनों घुटने सीधे, दोनों एड़ियां जो है टच, अपने बैक को जो है पूरी तरीके से सीधा रखेंगे, फिर जो है धीरे धीरे जो है वापस आ जाएंगे, वापस बैठ जाएंगे। अब इसके बाद जो है एक पांव को उठाएंगे, फिर दोनों पांव को उठाएंगे इस तरीके से, फिर इस हाथ को जो है फिर सीधा रख लेना है, घुटने को सीधा रखना है इस तरीके से, जितना ऊपर ले जा सकते, अगर नहीं रख पा रहे हाथ को नीचे रख लें बैलेंस के लिए। अगर आपको दिक्कत हो रही, फिर भी दिक्कत हो रही, तो घुटने को मोड़ लें, घुटने को मोड़ के आप ऐसे कर सकते हैं,
और अगर घुटने को सीधा रखने में कोई दिक्कत है, घुटनों को सीधा रखें, सामने की ओर देखें। अपने अंगूठे को देख सकते हैं आप, अपने अंगूठे को देखते रहिए और फिर वापस आ जाइए। इस तरीके से आपको रखना है और अगर आपको दिक्कत हो रही, हाथ को आप यहाँ पे रख लें और फिर जो है वापस आ जाए। इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रहना है और जितनी आपकी कैपेबिलिटी, हर एक आसन को आप जो है मैक्सिमम 1 मिनट तक कीजिए। अगर रुक सकते हैं तो आराम से सांसें लीजिए और आराम से सांसें छोड़िए, फिर वापस आइए। एक आसन को जो आपको 3 बार करना है, मैं बस 1 बार करके दिखा रहा हूँ। अब जो है खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर 2 आसन करेंगे, एक तो ताड़ासन और दूसरा जो है कटी चक्रासन। ताड़ासन में आने के लिए थोड़ा सा पाँव में 10 सेंटीमीटर तक गैप बना ले, हाथों को मोड़े, ऊपर की ओर खींचे, पहले खींच लें सांस लेते हुए जितना खींच सकते हैं, फिर धीरे से पंजों के बल आ जाए, पंजों के बल आ जाए, सामने एक सेंटर पॉइंट बना ले। इसी पोजिशन में आपको रहना है 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक, सामने सेंटर पॉइंट को देखते रहें। बॉडी में कोशिश करें किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो, इसी पोजीशन पर रहें, फिर धीरे से जो है वापस आ जाएं। इसको जो है आपको इसको भी 3 बार करना है, 3 चक्र 3 राउंड इसको करना है। 1 राउंड में जो है आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रहना है। आप कटी चक्रासन करेंगे, आराम से सांस लेंगे, एक हाथ को यहाँ पर रखेंगे इस कंधे पर और एक हाथ को पीछे इस तरीके से रखना है और फिर जो घूम जाना है पीछे और पीछे की ओर देखना है। घुटनों को सीधा कर लेंगे, पंजों को अच्छे से ज़मीन पे पीछे ही देखेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे आराम से 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको रुकना है। सांसों की जो गति होगी, जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल तरीके से सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको इसमें रहना है। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इस हाथ को पीछे ले जाना है, इस हाथ को कंधे पे रखना है इस तरीके से और फिर गर्दन को पीछे की ओर, इसी पोजीशन में आपको रहना है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। आराम से सांसों को लेना है और आराम से सांसों को जो है छोड़ना है। सांसों को नॉर्मल तरीके से ले छोड़े, 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहे और फिर वापस आ जाए। इसके बाद जो है शवासन ले लें, आराम से जो है मैट पे आपको जो है लेट जाना है। आंखें बंद कर ले, आराम से मैट पे लेट जाए, दोनों पाँव में गैप ले ले थोड़ा सा, हाथों में थोड़ा गैप ले ले, आंखों को बंद कर ले आराम से। बस अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, आंखें बंद कर ले, ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए अपने बाएं हाथ को अपने चेस्ट पे रख लें, तो अपने दाहिने हाथ को जो है अपने लंग्स के ऊपर रख सकते हैं, बाएं हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लें, बाएं हाथ को पेट के ऊपर और दाहिने हाथ को अपने लंग्स के ऊपर। इससे आप अपने डायफ्रामिक मूवमेंट जो हो रही है, जैसे सांस आप ले रहे हैं तो आपकी जो है स्टमक जो है पेट जो है ऊपर की ओर आती है, जब आप सांस छोड़ते तो पेट नीचे की ओर चले जाती है, आप हाथ रखेंगे तो इस जो मूवमेंट को आप जो है महसूस कर पाएंगे कि जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपके पेट जो है एब्डोमेन जो है ऊपर की ओर जा रही है, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके पेट जो है नीचे की ओर जो है चली जा रही है, नीचे की ओर चली जा रही है पेट, और जब आप सांस ले रहे हैं तो ऊपर की ओर आ रही है। इसी पोजीशन में 10 मिनट तक रहना है आपको, सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। अपने सांसों के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, आपकी सांसें छोटी है, आपकी सांसें गहरी है, आपकी सांसें लंबी है, आपकी सांसें उथली है या आपकी सांसें रुक रुक के आ रही है, जिस तरीके से भी आप सांस ले रहे हो उस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, लेटे रहना है।
आपकी सांस नाक से होते हुए नोज से होते हुए आपके लंग्स में, फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों से डायफ्रेम में, फिर डायफ्रेम से लंग्स, फेफड़ों से होते हुए आपके नोज से बाहर। दोनों पांव को मोड़ लेंगे आराम से। अपनी जो लेफ्ट साइड करवट लेना है आपको, धीरे से लेफ्ट साइड करवट ले और धीरे से आराम से बैठ जाए इस तरीके से। दाहिने हाथ के बल पे धीरे से उठे, फिर वापस आ जाए, बैठ जाए आराम से सीधा। आप अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, आप जो सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रख लें, आंखों को बंद ही रखें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेते आए। एक गहरी सांस लेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे तेजी के साथ, जिससे कि दोनों हाथों में अच्छी तरीके से, आंखों पर रखिए अपने, चेहरे पर रखिए अपने, अपने गर्दन पर रखिए पीछे आराम से। फिर से आंखों पर लाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हथेलियों को देखेंगे अपने, ईश्वर का धन्यवाद और अपने शरीर का जो है धन्यवाद अदा करेंगे। धन्यवाद देंगे अपने शरीर को आज के अभ्यास के लिए जो कि आपने किया, आपके शरीर ने साथ दिया, किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, किसी तरह का दर्द आपके शरीर में नहीं है, इसके लिए हम जो है शरीर का जो है धन्यवाद देंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस, मेरा पूरा हार्ट के ऊपर बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है और आपके हार्ट को जो हेल्दी रखने में जो है ये आपकी जो है मदद करेगा। तो इसे रोज़ अपनी लाइफ में करें और अपने हार्ट को हेल्दी और स्वस्थ रखें। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर जाते जाते मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने नियर डियर और जो अपने लोगों के साथ है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इसे देखें और वो भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है एक ईजी और आसान तरीके से कि योग को जो है अपनाना तो है लेकिन आसान तरीके से रोज़ जो है सबसे सरल तरीके से, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 1 घंटा करें, कैसे अपनाएं अपनी ज़िंदगी में जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, दबाव से दूर रहें और जो अस्पतालों से दूर रहें, ये जो है हो आपकी ज़िंदगी में, इसके लिए जो है योग को ज़रूर अपनाएं। नमस्कार।